अरे यार ए। कानपुर में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बकरी अपने मुंह में एक फाइल दबाकर भाग रही और उसके पीछे पीछे एक कर्मचारी भाग रहा है। बकरी आगे आगे तो कर्मचारी पीछे पीछे। यह वायरल वीडियो चौबेपुर विकास खंड कार्यालय स्थित पंचायत भवन का बताया जा रहा और बकरी के मुंह में जो फाइल दबी है वह एक गाँव के विकास कार्यों की फाइल है जिसे बकरी चट कर गई। बुधवार दोपहर हुए इस वायरल वीडियो के बाद खंड विकास अधिकारी ने संबंधित सचिव से जवाब मांगा है। बताया जा रहा कि सचिव महोदय कार्यालय के बाहर बैठकर धूप सेकते रहे और उनकी टेबल पर रखी फाइल बकरी मुंह में दबाकर आराम से चबाती रही। अफसरों की निगाह पड़ी तो खलबली मच गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बकरी के मुंह में दबी फाइल निकालनी चाही तो वह भाग खड़ी हुई। यहां कई लोगों ने उसका पीछा किया लेकिन वह फाइल लेकर भागने में कामयाब रही। इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस मामले में चौबेपुर खंड विकास अधिकारी मन्नू लाल यादव ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है, कुछ कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है, संबंधित पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। खंड विकास अधिकारी के मुताबिक यह फाइल राजा रामपुर गांव में होने वाले विकास कार्यों की थी जिसे बकरी ने चबा डाला है। आपको बता दें यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी बकरी ने एक अधिकारी के ऑफिस में रखी फाइल हजम कर ली हो। इससे पहले आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शहर में चूहों ने 40 करोड़ रुपए का बनाया गया खपरा मोहाल फ्लाईओवर ही कुतर डाला था। चूहों ने रैंप में छेद दर छेद कर पहले अपना बसेरा बनाया फिर इसे आर पार खोखला कर दिया। बारिश हुई तो रैंप की बालू बह गई और पुल 3 बार धस गया था। जब पुल के बार बार धसने की सेतु निगम की तकनीकी टीम ने जांच की तो उनके तोते उड़ गए। पता चला कि बगल में रेलवे गोदाम से चूहे बीते कई महीनों से आ रहे हैं लेकिन कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो सन्नाटा पाकर रैंप के अंदर चूहों की आमद तेज होने लगी। चूहों ने रैंप में दोनों तरफ कई छेद कर अपना कब्जा कर डाला। चूहों की कारस्तानी यहीं खत्म नहीं होती। 5 मई 2017 को बिहार के शराबी चूहे मीडिया की सुर्खियां बन गए थे क्योंकि यहां के थानों में रखी लाखों लीटर शराब गायब हो गई थी। तब कहा गया कि चूहे शराब गटक गए या फिर बर्बाद कर दी। शराबबंदी के बाद पुलिस ने कई बार शराब जब्त की थी जिसे अलग अलग थानों में रखा गया था। जाँच के दौरान जब्त शराब की मात्रा कम होने लगी तो जाँच के आदेश दिए गए। तब इस बात का खुलासा हुआ। हिसाब किताब नहीं मिला तो कहा गया कि चूहे या तो शराब पी गए या फिर बर्बाद कर दी। इन सभी मामलों में कितनी सच्चाई है या तो जिम्मेदार ही जाने। हमें तो इतना पता है कि लापरवाहों की लापरवाही से चूहे और बकरी दोनों मौज मार गईं। जंजवार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।